लैंड ऑफ दी डेड कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि डेड बॉडीज अचानक से जिंदा हो रही हैं, यानी कि वो जॉम्बी बन रहे हैं जो एक दूसरे को काट कर जॉम्बी बना रहे हैं, जिस वजह से जॉम्बीज की आबादी बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बच जाते हैं जो अपने रहने के लिए एक आउट जगह बना लिए हैं। अब कुछ समय बाद हम US के एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर यह शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और यहाँ चारों तरफ सिर्फ जॉम्बी ही जॉम्बी दिखाई दे रहे हैं। फिर हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं जहाँ का मैनेजर भी जॉम्बी बन गया होता है। उस स्टेशन के मैनेजर का नाम बिग डैडी होता है। इसके बाद हम दो और लोगों को देखते हैं जिनका नाम रिले और चोलो होता है। ये दोनों अपने टीम के साथ यहाँ पर मेडिकल और फूड लेने के लिए आए होते हैं, पर तभी बिग डैडी उन्हें देख लेता है जो बाकी के जॉम्बीज को यहाँ बुलाने लगता है। तभी ये नोटिस करते हैं कि बिग डैडी उन जॉम्बीज का हेड है, पर किसी तरह ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही ये लोग आसमान में एक फायर रॉकेट जलवाते हैं। दरअसल ये ट्रक वेपन से लैस होती है जिसे रिले ने खुद ही बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उन जॉम्बीज का ध्यान ऊपर की तरफ चला जाता है क्योंकि वो जॉम्बी उस रॉकेट वाले वेपन को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, जिससे ये लोग जॉम्बीज के बीच में से आराम से निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनकी मशीन खराब हो जाती है जिससे आसमान में उड़ रहे रॉकेट बंद हो जाते हैं। तभी जॉम्बीज इन्हें देख लेते हैं और इन्हें काटने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर रिले सभी को इस टाउन से निकलने के लिए कहता है, पर चोलो उसकी बात नहीं मानता और ड्रिंक्स लेने के लिए वापस टाउन की तरफ जाता है। अब चोलो और उसके साथी एक मॉल की तरफ जाते हैं जहाँ से ये लोग बहुत सारी शराब की बोतल उठा लेते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं तभी इनका एक सामान नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए इनका एक साथी नीचे की तरफ झुकता है। लेकिन तभी एक जॉम्बी उसे काट लेता है। इसी बीच वहाँ पर रिले भी आ जाता है जो उस जॉम्बी को शूट करके मार देता है, पर जिस लड़के को जॉम्बी ने काटा था वो खुद ही को शूट करके मार लेता है ताकि उसकी वजह से किसी को कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ रिले को चोलो पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। इसके बाद सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पहुंचकर सभी अपने सामान को अंदर की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। अब टीवी के अंदर हम एक फिडलर ग्रीन के शो को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि सिटी में मौजूद एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर कुछ अमीर लोग लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। इसके बाद रिले चोलो के पास जाता है। चोलो उससे कहता है कि उसने शराब की बोतल फेडरल के लिए लिया हुआ था ताकि वो उसके साथ उस जगह पर रह सके। इस पर रिले उसे समझाता है कि वो लोग तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगे क्योंकि वहाँ गरीब लोगों का रहना मना है, पर वो उसकी बात नहीं मानता और फेडरल से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रायली को देखते हैं जिसकी गाड़ी किसी ने गैरेज से चुरा ली होती है, इसी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। दरअसल रायली आज इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर जाने वाला होता है, इसलिए अब वो सिटी वापस नहीं जा पाता। इसके बाद हम एक बार को देखते हैं जहाँ का ओनर एक लड़की को जॉम्बीज के बीच फेंक देता है। अब यहाँ पर रायली भी आ जाता है जिसे एक बौना आदमी मिल जाता है। दरअसल उसी बौने आदमी ने उसकी कार चुराई हुई थी। ये देखकर वो उस बौने आदमी से अपनी कार मांगने लगता है। तभी रायली की नजर उस जॉम्बी पर जाती है जो उस लड़की को मार रहा होता है। ये देखकर रायली उन जॉम्बीज को शूट करके मार देता है। इसके कारण वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच वो बौना आदमी रायली पर अटैक करने के लिए जाता है, पर वो लड़की उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो बौना आदमी यहाँ से भागने लगता है। तभी चार्ली उसे शूट करके मार देता है। इसी बीच वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और इन्हें जेल में बंद कर देते हैं। इसी बीच वो सोल्जर मैलीगन को भी जेल में बंद कर देते हैं। ये देखकर रायली फैसला करता है कि वो यहाँ से कल सुबह ही सिटी के लिए निकल पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जॉम्बी का पूरा झुंड सिटी की तरफ आने लगता है जिनको बिग डैडी लीड कर रहा था। वहाँ पर उन्हें लकड़ी की एक बैरियर दिखाई देती है, पर वो जॉम्बी उस बैरियर को भी तोड़ने लगते हैं जैसे कि वो इंटेलिजेंस हो गए हैं। उधर चोलो कॉफमैन से मिलता है, वो उसे शराब ऑफर करता है और फिडलर ग्रीन में एक अपार्टमेंट मांगता है क्योंकि उसने 3 साल से अपनी सर्विस दी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कॉफमैन उसे साफ मना कर देता है और बाहर भेज देता है। बाहर आने पर चोलो मिलिट्री हाउस की तरफ जाने लगता है। वहीं पर दो सोल्जर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर किसी की हलचल सुनाई पड़ती है। फिर जैसे ही वो वहाँ चेक करने के लिए जाते हैं तभी बिग डैडी वहाँ आकर उन दोनों को जान से मार देता है। इसी के साथ जॉम्बीज का पूरा झुंड भी यहाँ पर आ जाता है। फिर वो जॉम्बीज बैरियर के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। ये देख मिलिट्री उन्हें रोकने के लिए फायरिंग करने लगती है। इसी बीच वो जॉम्बीज उस बैरियर को तोड़ देते हैं और सबके सब अंदर आने लगते हैं। इतने सारे जॉम्बीज को मिलिट्री वाले एक साथ नहीं मार पाते, जिससे वो जॉम्बीज अंदर आकर मिलिट्री वालों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद चोलो यहाँ से ट्रक लेकर निकल जाता है जो कि पूरे हथियारों से फुल था। अब यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद जॉम्बीज का झुंड सिटी की तरफ जाने लगता है। ट्रक चुराने के बाद चोलो कॉफमैन से डिमांड करता है
है कि उसे इस ट्रक के बदले $5 मिलियन चाहिए, पर कॉफमैन उसे साफ मना करके ये डील कैंसिल कर देता है। अब कॉफमैन रीले को बुलाता है, जिसके बाद वो रीले से सौदा करता है कि उसे चोलो से ट्रक छुड़वाकर लाना है, और अगर रीले वो ट्रक छुड़वाकर ले आएगा तो कॉफमैन उसे उसकी चोरी हुई कार को ढूंढकर दिलवाएगा, साथ ही उसे बहुत सारे पैसे भी इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ये सुनकर रीले उसकी बात को मान लेता है और अपने बाकी के साथियों के साथ चोलो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान कॉफमैन भी अपने कुछ आदमियों को रीले के साथ भेजता है ताकि रीले उसे धोखा ना दे सके। अब रीले अपने साथियों के साथ मिलिट्री आउटपोस्ट पर जाता है, जहां वो जॉम्बी की तबाही देखकर समझ जाता है कि जॉम्बीज शहर की तरफ घुस चुके हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों को लग रहा था कि जॉम्बीज उस नदी को पार नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में हम उन जॉम्बीज को देखते हैं जो एक जगह पर आकर रुक गए होते हैं क्योंकि बीच में नदी थी, पर उनका लीडर बिग डैडी पानी के अंदर कूद जाता है, जिसके बाद बाकी के जॉम्बी भी उसे फॉलो करते हुए नदी के अंदर कूद जाते हैं। फिर किसी तरह बिग डैडी उस नदी को पार कर लेता है, जिसके पीछे पीछे बाकी के जॉम्बीज भी नदी को पार कर लेते हैं। इसके बाद सभी जॉम्बीज सिटी की तरफ जाकर उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। अब शहर के अंदर जो बची हुई मिलिट्री थी वो भी उनका सामना नहीं कर पाती, जिसके कारण जॉम्बीज चारों तरफ फैल जाते हैं। उधर रीले ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से चोलो को ढूंढ लेता है और उससे मिलने के लिए रीले अकेले ही जाता है। चोलो रीले को देखकर समझ जाता है कि उसे कॉफमैन ने ही भेजा हुआ है। रीले के अंदर आते ही चोलो उस पर गन पॉइंट कर देता है और अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद चोलो ट्रक में मिसाइल लोड करता है और जहाँ पर कॉफमैन रहता है उस जगह को निशाना बना लेता है, पर रीले उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन चोलो उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद रीले अपने डिवाइस सिस्टम से मिसाइल को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से चोलो मिसाइल को लॉन्च नहीं कर पाता। अब रीले उस डिवाइस को तोड़ देता है, जिसे देखकर चोलो उस पर काफी गुस्सा होता है। इसी बीच यहाँ पर मोटाउन आ जाती है, जो इन पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन रीले उसे देख लेता है और चोलो को सामने कर देता है, जिससे चोलो काफी जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर एक जॉम्बी आकर मोटाउन पर हमला कर देता है, जिसे बाकी के लोग शूट करके मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉफमैन सारा पैसा लेकर निकलने लगता है। इसी बीच रीले उसे कॉल करके बताता है कि मैंने चोलो को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसी समय सिटी के अंदर ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसे देख कॉफमैन को लगता है कि ये सब चोलो कर रहा है। इस पर रीले उसे समझाता है कि ये ब्लास्ट जॉम्बीज कर रहे हैं। अब रीले सिटी को बचाने का डिसाइड करता है। वो डेड रैकनिंग के साथ सिटी में वापस जाने का प्लान बनाता है, लेकिन चोलो उसके साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो ट्रक में नहीं जाता। इसके बाद रीले बाकी के सभी लोगों के साथ सिटी की तरफ जाने लगता है। इधर जॉम्बीज सिटी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, साथ ही वो बचे हुए लोगों को भी मार रहे होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मची हुई होती है। वहीं दूसरी तरफ चोलो के ऊपर एक जॉम्बी अटैक कर देता है, पर तभी फोंगसी उस जॉम्बी पर गन पॉइंट करके उसे मार डालता है, जिससे चोलो बच जाता है। यहाँ सिटी में सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर चोलो भी फोंगसी के साथ आ जाता है और कॉफमैन से बदला लेने के लिए अकेला ही चला जाता है। पर अब जॉम्बी भी फेडरल ग्रीन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ का ग्लास तोड़कर जॉम्बीज अंदर चले जाते हैं। जॉम्बीज को देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं रीले और बाकी के लोग एक ड्रोबिस के पास पहुँचते हैं, जिसके बाद रीले उसे डाउन करने चला जाता है। वहीं सिटी के लोग जब जान बचाकर भाग रहे होते हैं, तभी उनके आगे इलेक्ट्रिक शॉक वाले वायर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये सब फंस जाते हैं। इधर रीले ब्रिज को डाउन कर देता है, तभी वहाँ पर एक जॉम्बी आ जाता है जो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन रीले किसी तरह उसे मार देता है। इसी बीच जॉम्बी का एक छोटा सा ग्रुप डेड रैकनिंग को घेर लेता है। ये देखकर रीले परेशान होने लगता है, तभी उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद प्रेटी ट्रक को वहाँ से आगे ले जाती है और उन सभी जॉम्बीज को शूट करके मारने लगती है। इसके बाद ये लोग सिटी में जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सिटी में फंसे हुए लोग काफी परेशान होते हैं। उसी समय जॉम्बीज का झुंड उनकी तरफ आने लगता है। ये देख सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी रीले यहाँ पर फायर गोला ब्लास्ट करता है, ताकि उन जॉम्बीज का ध्यान उन गोले के ऊपर रहे और ये सब मौके का फायदा उठाकर यहाँ से बचकर भाग सकें। लेकिन अब ये जॉम्बीज इंटेलिजेंट हो गए थे, इसलिए वो उन गोलों को देखकर कोई भी एक्शन नहीं लेते। वहीं कॉफमैन भी फेडरल से भाग रहा होता है, तभी उसका सामना बिग डैडी से हो जाता है, जिसे देख कॉफमैन असिस्टेंट के साथ वहाँ से भागने लगता है। अब ये दोनों बेसमेंट में पहुँचते हैं।
जहां कॉफमैन कार में बैठ जाता है और उसका असिस्टेंट वहां का डोर ओपन करने लगता है। तभी वहां पर बिग डैडी आ जाता है, जिसे देख वो असिस्टेंट वहां से भाग जाता है, लेकिन कार की चाबी उसी के पास होती है, जिस वजह से कॉफमैन वहीं पर फंस जाता है। इसके बाद बिग डैडी कार का ग्लास तोड़ देता है और उसके अंदर पेट्रोल डालने लगता है। फिर बिग डैडी वहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद कॉफमैन अपने पैसों का बैग लेने के लिए वापस चला आता है। इसी बीच वहां पर एक ज़ॉम्बी आने लगता है, जिसे देख कॉफमैन उसे शूट करने लगता है और अपना पैसा लेकर यहां से चला जाता है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाता है, जिसे देख कॉफमैन को पता चलता है कि वो चोलो है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इसके बाद चोलो उस पर हमला करने लगता है। इसी बीच वहां पर बिग डैडी आ जाता है, जो उस जगह पर आग लगा देता है। इस वजह से वहां पर काफी तेजी से ब्लास्ट होता है, जिसमें चोलो और कॉफमैन दोनों जलकर मारे जाते हैं। इधर रीले भी अब सिटी में पहुंच जाता है, लेकिन यहां पहुंचने में उन्हें देर हो गई थी, क्योंकि इस समय वहां पर सब कुछ तबाह हो गया था। ये देखकर रीले काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने लोगों को नहीं बचा पाया। इसके बाद चार्ली सभी ज़ॉम्बीज को बम से उड़ा देता है। सभी बहुत उदास होते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर छिपे हुए थे। ये देखकर रीले और उसके साथी खुश हो जाते हैं। रीले मलिगन से पूछता है कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। फिर मलिगन बताता है कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम इसी जगह को पहले जैसा बनाएंगे। पर रीले ने यहाँ से कनाडा जाने का फैसला कर लिया था। तभी एक ज़ॉम्बी इनके ट्रक के अंदर चला जाता है, लेकिन ये लोग उसे मार डालते हैं। इसी बीच इनको बिग डैडी और उसका एक ग्रुप नजर आता है, जो इस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं। ये देखकर रीले उन पर अटैक नहीं करता और यहाँ से सभी अपना ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।